नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी खास मुलाकात के सेट पर आए हैं टीवी सीरियल्स के दो मुख्य कलाकार शिवानी तोमर और गौतम बीक। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे नए सीरियल के बारे में जिसमें उन्होंने काम किया है, जो कि इशारा टीवी चैनल, जो टीवी चैनल्स के दुनिया में कदम रखने जा रहा है ऐसे चैनल्स इशारा, इस पर इनकी सीरियल अग्निवायु आने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल मेरा आप दोनों से कॉमन है कि क्या है अग्निवायु? अग्निवायु अग्निवायु दो ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे से अलग हैं बट फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। एज अ कॉन्सेप्ट इफ वी सी, जैसे कि मैंने बोला एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी या सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी कि जिसकी वजह से वो दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। प्यार है पर भरोसा नहीं, ये टैगलाइन है शो का। और इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन, की सिचुएशन ही होती है जो खराब होती है, इंसान तो ठीक ही होते हैं, तो वही है इसके अंदर। तो वो कैसी कैसी सिचुएशन आएंगी, कैसे कैसे होंगे। वायु नाम से जैसे है कि बहुत शांत है, दूसरों का भला करना उसे बहुत पसंद है, कभी वो गलत नहीं करता किसी के साथ, ना ही वो किसी को करने देता, चाहे वो उसकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या उसके दोस्त हो, कोई भी हो। गरीब परिवार से आया वो, पेरेंट्स नहीं है, वो अपनी बहन और अपने जीजा के साथ रहता है, वही उसकी फैमिली है। और गरीबी से आया तो उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन उसे करना है उसके साथ, उसे जितने मध्यम वर्ग के लोग हैं, जितने गरीब लोग होते हैं, मध्यम से भी जो नीचे हैं, उनको उसको साथ बढ़ाना है ऊपर। तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसकी वजह से वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी चेंज होता है वो होता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो एक रिकवरी एजेंट बन जाता है। जो लोग ईएमआई नहीं देते तो उनकी गाड़ियां उठाता है वो, तो उसका प्रोफेशन है। गुड बाय हार्ट स्टिल, बट रिवेंज मोड पे है वो एक सर्टेन कम्युनिटी से। तो बस यही किरदार है वायु का। बिल्कुल, वायु का किरदार तो हमने जान लिया है, क्या है अग्नि का किरदार? अग्नि शी इज अ डॉक्टर, बच्चों की डॉक्टर है स्पेशली, एंड अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, डैड की बहुत ज़्यादा क्लोज है, डैड की सबसे क्यूट बेटी है, उनको मतलब उसके डैड को उन्हीं के मतलब अग्नि के ऊपर ही भरोसा है, रिस्पॉन्सिबल बनती है सारा घर का एंड सब कुछ। अगर डैड को लगता है कि उनके बाद कौन संभाल सकता है, वो अग्नि संभाल सकती है। वायु से प्यार है, पर चीज़ें प्यार तो हो गया लेकिन चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर उसकी डैड की बात आई तो फिर भरोसे वाली बात आई, जहाँ पर उसका भरोसा नहीं हुआ कि प्यार तो हो गया लेकिन भरोसा नहीं हो पा रहा है। सो हमारा शो भी इसी चीज़ पर है कि प्यार है लेकिन भरोसा जब तक नहीं होगा तो वो कम्प्लीट कैसे होगा। बिल्कुल, प्यार है भरोसा नहीं है, ये क्या बात हुई? मतलब दोनों के मतलब दोनों ने बताया कि प्यार है पर भरोसा नहीं, मतलब है क्या ये? कभी आपको फर्स्ट साइड लव हुआ किसी से? ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। मतलब जैसे आप किसी को आपने पहली बार देखा, शायद आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए या आपको आपको लगा नहीं यार ये वही है या ये वो है, वैसा है। लेकिन जब तक आप साथ नहीं रहेंगे तब तक आपको भरोसा नहीं है, ठीक है, कि वो कहाँ है, क्यों है, किस वक्त है, वो धीरे धीरे विद द टाइम बिल्ड होती है चीजें। तो यहाँ पे टाइम नहीं मिला, यहाँ पे अगर ये दोनों मिले, दोनों ने टाइम स्पेंड किया, एक आधा दिन स्पेंड किया होगा, तो वो एक फीलिंग आ गई, लेकिन वो फीलिंग ग्रो हो रही है लेकिन भरोसा ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि साथ टाइम नहीं बिताया। और वो टाइम बिताने से पहले कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि जिसकी वजह से जो वो टाइम बिताने की जो थी सिचुएशन वो भी खत्म हो गई। तो इसलिए प्यार है भरोसा नहीं है। बिल्कुल, प्यार है भरोसा नहीं है। तो ये तो प्यार है, किस तरह का प्यार है और किस कैसे भरोसा नहीं है तो हमें सीरियल देख के पता चलेगा। मेरा अगला सवाल है, आप दोनों ने भी बहुत सी सीरियल्स में काम किया है, तो क्या लगा अग्निवायु में ऐसे अलग, मतलब पर्दे के पीछे की केमिस्ट्री, पर्दे पे जो केमिस्ट्री आई है वो केमिस्ट्री, मतलब अग्नि जो थी पर्दे के पीछे क्या है और अभी पर्दे पे क्या है, क्या बताओगे आप? मतलब आप बोल रहे हैं शिवानी और अग्नि का कंपैरिजन। यार अग्नि का मैं बोलूँगी बहुत पार्ट शिवानी से मैच भी होता है,
इंडिपेंडेंट लड़की है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, काफ़ी चीज़ें यू नो आप कंपेयर कर सको, लेकिन उसकी जर्नी दिखाई है अग्नि की, जो वायु से रिलेटेड है या जो उसके प्यार से रिलेटेड है, उसकी फैमिली से। और अगर मैं शिवानी की बात करूँगी तो मैं एक्टर हूँ, आई एम एक्सप्लोरिंग एवरी इमोशन, तो मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वो चीज़ें। अग्नि के लिए है क्योंकि उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वायु आता है, वो सिर्फ एक उसके एक ही डायरेक्शन चल रहा है, और बाकी क्या मतलब धीरे धीरे वो एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी तक हाँ। क्या खास इसे अग्निवायु सीरियल में लगा? अभी तक आपने बहुत से सीरियलों में काम किया है, क्या अलग है? अलग काफ़ी है चीज़ें, बिकॉज जैसे एज अ पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैंने बहुत जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं या जो पुराने शोज़ किए हैं उसमें मैंने टॉमबॉय प्ले किया है, या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें बहुत लड़की के साथ यू नो बेचारी है, उसको सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ही सारा प्रेशर आता है। यहाँ पर इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स मतलब आई कैन रिलेट माई सेल्फ। बोल्ड अग्नि, हाँ बोल्ड है, सारे डिसीजंस खुद लेती है अपने, उसको पता है कि उसको क्या पहनना है क्या नहीं, कौन से ओकेशन पे, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक वो हम सब भी कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि आजकल हम सब लड़कियाँ ऐसी हो गई हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, तो हम खुद कर लेते हैं चीज़ें। जहाँ पर लगता है फैमिली है वो चीज़ें, तो वो तो कॉमन होती हैं, इमोशंस होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम आप बताइए कि क्या अलग है, आपने भी बहुत से सीरियल शो जो है टीवी की है, तो इसमें क्या अलग लग रहा है अग्निवायु में, ऐसा क्या किरदार में नयापन लग रहा है, क्या अलग सी बात है इसमें? जो नयापन है पहले तो ये आज की स्टोरी है, तो ऐसा टिपिकल सास बहू टाइप स्टोरी नहीं है, आज की स्टोरी है, आज की जनरेशन से रिलेटेड है। ये जो वायु प्ले करने में मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसमें बहुत मिक्स्ड इमोशन है, जब ये रोमांस करता है तो ये रोमांस करता है, अब जब ये रिवेंज मोड पे है रिवेंज भी ले रहा है, लेकिन अंदर वो प्यार का पेन भी है, बिकॉज किसी और को वो कुछ और कमिटमेंट कर चुका है अपनी ज़िंदगी में, इसकी वजह से उसे अपने प्यार से पीछे जाना पड़ रहा है। सो ही इज़ वेरी कमिटेड गाय, अगर उसने कोई कमिटमेंट की तो वो उस पर पूरा करता है, तो ही इज़ वन ऑफ देम। तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में मैं थोड़ा सा ऐसा ही हूँ, नॉट 100% बट एटलीस्ट 70-80%, तो वो रिलेट हो सकता है। प्लस इन रियल लाइफ ऑल्सो मुझे ऐसा किसी का बुरा करने का कुछ है नहीं, सिखाया नहीं पेरेंट्स ने, तो वो एथिक्स नहीं है, तो आई थिंक वो थोड़े लिए ईजी पड़ जाता है मुझे कि यू नो आप क्या, जब आप रियल लाइफ में थोड़ा बहुत आप अपने कैरेक्टर से मिलते हो तो आप अपने रियलिज्म आप अपनी चीज़ें पिक कर लेते हो, जिससे आप जब स्क्रीन पे पोर्ट्रे करते हो तो वो रियल लगता है क्योंकि आपने वो फील किया इमोशन इन रियल, तो वो एक हेल्प हो जाती है। और हाँ मतलब वो जो पेन है, द चैलेंज फॉर मी इन दिस इज दैट टू मेंटेन दैट पेन ऑफ द कैरेक्टर व्हाइल लविंग समबडी एंड व्हाइल डूइंग द रिवेंज ऑल्सो, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है एंड दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, और वो थोड़ा सा बस एक ही है, बाकी तो इट्स ऑल गुड। बिल्कुल, ये जो जर्नी थी अग्निवायु की आप दोनों की, सेट पे किस तरह से आपने मतलब मस्ती की, होंगे कुछ मोमेंट होंगे कि जो यादगार बन सकते हैं ऐसा कुछ? इट्स लाइक अ फैमिली ऑन सेट, मतलब हमारे डायरेक्टर हैं दे ऑल नाइस, मतलब वी ऑलवेज हैव अ गुड टाइम, वी ईट लंच टुगेदर, एक साथ खाना खाना, मस्ती करनी, और तो एक्चुअली मस्ती पूरे टाइम ही चलती है, इट्स नॉट ऐसा कि यू नो कि एक मोमेंट हम बता पाए, इट्स लाइक सबके साथ, इट्स लाइक अ फैमिली। अभी आई नो बहुत कम टाइम हुआ है बट बहुत मतलब सारे लोग इतने अच्छे हैं, चैनल एंड प्रोडक्शन एंड एवरीवन, तो वो फैमिली बन गया है स्टार्टिंग से ही, वो ऐसा बिल्कुल ऐसा कहीं लग रहा है कि कोई शॉट है वो देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसमें बहुत सा टाइम लगा है, ऐसी कुछ मेमोरीज आपकी है दोनों की? शॉट में दिक्कत तो स्पेसिफिक मतलब हर शॉट डिफिकल्ट होता है, बिकॉज क्या होता है जब आप कुछ एक नया किरदार करते हैं तो आपको उसे अडेप्ट करने में फिजिकली मेंटली आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग के दिनों में प्रॉब्लम होती है, और जब एक बार एक फ्लो पकड़ लेते हो आप तो फिर आप खेलना शुरू करते हो उसके साथ। तो जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट था, जो जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, विच इज़ इन इनिशियल एपिसोड्स ओनली, आफ्टर थर्ड और फोर्थ एपिसोड यू गेट टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट, तो वो चैलेंजिंग था क्योंकि बहुत इमोशंस थे उस टाइम पे, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अग्नि उसका चेंज हुआ, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड विद हिम, और जिसकी वजह से उसका जो चेंज ओवर हुआ, तो वो इमोशंस को फील करना और वो वैसा रिएक्ट करना, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि पूरा दिन वही चल रहा था, और हाँ अभी तक वही था, बाकी तो जो ऑरेंज सिटी आप आए हो
ऑरेंज सिटी के बारे में भी क्या कहोगे? आज पहली बार मुझे लगता है शायद आप दोनों ने पहली बार ऑरेंज सिटी आए हो, क्या बताओगे ऑरेंज सिटी के दर्शकों को कि क्यों देखना चाहिए अग्निवायु? पहले तो यार आज हम लोग, हाँ हमें पता चला कि यू नो यहाँ पे ऑरेंजेस फेमस हैं। उसके बाद हम लोग आ रहे थे, जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमने देखा सन एकदम ऑरेंज ही लग रहा था आज भी हम लोग यही बोल रहे थे, मतलब ये तो लिटरली ऐसा हो गया कि हमें अच्छा पता चला और हम सन भी ऑरेंज ऑरेंज हाँ एकदम फील कर पा रहे कि हाँ ये तो लग ही रहा है, ऐसा फील हो रहा है ऑरेंज। आप क्या बताना चाहोगे? मतलब हम अभी ज़्यादा घूमे नहीं सिटी में, बट जितने भी लोगों से मिले हैं, जिससे भी बात हुई है, दे ऑल वेलकमिंग, वेरी वॉर्म पीपल, और अच्छा लगा नई सिटी आके। एंड यही कहना चाहेंगे लोगों से कि यार अभी तक बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, आगे भी दीजिए और ज़्यादा दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, नया शो है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे शूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दीजिए और आपको अच्छा लगेगा। आज की स्टोरी, आज का कंटेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखिए 1 मार्च से अग्निवायु, टाइम आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। आप क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से? या मैं भी यही बोलूंगी कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, आई एम श्योर कि एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अमेजिंग स्टोरी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत रिलेट कर पाएंगे आप खुद से भी, अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, बहुत रियल मूवमेंट्स हैं। बाकी बस अपना प्यार दीजिए हमें खूब सारा और प्लीज़ हमारा शो देखिए अग्निवायु। ये लव स्टोरी है या मतलब किस तरह की स्टोरी है? सास बहू वाली टिपिकल स्टोरी नहीं है, प्यार है, भरोसा नहीं है, फिर इस स्टोरी को क्या नाम दें? रोमांस थ्रिलर बोल सकते हैं, रोमांस है, प्यार है, खूब प्यार है। अब प्यार को विश्वास चाहिए ना, अभी पूरा ट्रस्ट चाहिए ना, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा फिर प्यार का क्या वैल्यू रहेगा, वो तो प्यार ही रहेगा, ट्रस्ट जब हो जाए तो फिर उसके बाद तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकते। ये बात सही है, वो तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना, ट्रस्ट चाहिए होता है ना बस, दूसरे इंसान ट्रस्ट है या नहीं है, मतलब इतनी जल्दी तो ट्रस्ट होता है अभी ट्रस्ट तो बड़ा मुश्किल होता है ना होना, सिचुएशन सिचुएशन पे, और जितना ट्रस्ट होगा उतना फिर मतलब वो है कि बस लॉन्ग लास्टिंग। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ स्पेशल ऐसे मेहमान थे जो कि नया शो आ रहा है अग्निवायु, उससे वो मुख्य कलाकार हैं शिवानी तोमर और गौतम बीक, जिनसे हमने बातचीत की और अग्निवायु सीरियल के बारे में जानकारी ली। तो आज की खास मुलाकात में वक्त चला है यही रुकने का, आज की खास मुलाकात में रुकते हैं यही, और दोबारा मिलते हैं, देखते रहिए 20 न्यूज़। नमस्कार।